कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो? 20 साल है। ये आपके पास पेपर वगैरह नहीं इस मकान सब पूरे कागज है, क्या नाम काफी सारी भी है, हर टेक वाटर टेक्स भी जा रहा है हमारा, सब कुछ है हमारे। किस वजह से ये इतने गड़बड़ की जद में आ रहा है? किस वजह से तलैया की जमीन पे आ रहा है ये? तलैया जमीन पे नहीं है, तलैया जमीन का उधर का रकबा इधर पूरा किया गया है, तलैया चारों तरफ है। तो आपका मकान क्यों तोड़ा जा रहा है? मकान इसलिए तोड़ा जा रहा है, उधर का रकबा इधर पूरा करा है लेखपाल की गलती से। कितने मकान है जो अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं? ये पूरी पट्टी है, लगभग 23 लोग हैं। तो यहाँ पे तो कुछ मकान छोड़ दिए गए। हाँ यही तो कानून, मतलब ये तो नाइंसाफी हो रही है। आपके पड़ोस में बिल्कुल लगा हुआ मकान, हाँ समझ लीजिए आप, क्या है इसको क्यों छोड़ा गया? मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दिया पाल भी गए, वो देखेंगे, वो दोबारा पेमेंट कराएंगे, लेखपाल ने गलत रिपोर्ट लगा के हम लोगों का उधर का रकबा पूरा किया गया, उधर खूब पैसा दिया गया। चौका बड़पुर में एक तालाबीय भूखंड है गाटा संख्या 701, उस पर जिन लोगों का अतिक्रमण है उनके अतिक्रमण को विस्थापित कराए जाने की कार्रवाई की गई। क्या अतिक्रमण किस तरह का था बता रहे? तालाब की जमीन पर अतिक्रमण था ऐसा कुछ? गाटा संख्या मैं बता तो रहा हूँ, 701 तालाबीय भूखंड है जिस पर अतिक्रमण विद्यमान था, उन लोगों के खिलाफ बेदखली का केस चला। बेदखली में बेदखली वाला जो कोर्ट था उसने आदेश पारित किया और आदेश पारित करने के बाद बेदखल करने की बात कही, उन्हीं को बेदखल कराया गया। लगभग कितने लोग हैं? ऐसे 3 लोग हैं जिनको आज विस्थापित कराया गया है, बाकी 4 लोग ऐसे हैं जिनका मुकदमा सिविल कोर्ट में और अपर कमिश्नर के न्यायालय में इस समय लिटिगेशन पेंडिंग है उनकी, वो फाइनल होने के बाद उनका विस्थापन होगा। ये कितने समय से अवैध निर्माण हो रखे था और कितने समय से केस चल रहा था? देखिए केस तो जो चल रहा था वो फाइनल हो चुका है, पहले ही फाइनल हो चुका है। जिन लोगों का अतिक्रमण आज विस्थापित कराया गया है उनका बेदखली आदेश फाइनल हो चुका है, और प्रश्न ये है कि ये केस कब से चल रहा था इसके बारे में पृथक से आपको जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि तहसीलदार कोर्ट में कब ये बेदखली का वाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।